أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hello guys, this is Mufak Rafa Klashari on Ilm-E-Sadiq Academy YouTube channel. For information about PST, kindly subscribe our YouTube channel. तो गाइस आज हम बात करते हैं जो PST और JEST में जॉब्स आई हैं और आने वाली हैं उसके हवाले से मैंने कल भी एक जो लेक्चर है साइंस के हवाले से सेकंड चैप्टर है उसका मैंने इंट्रो करवा दिया था और मैंने MCQs और ट्रू फॉल्स जो थे वो मैंने आपको बता दिए थे और इसके अलावा सेकंड चैप्टर है आज हम चलते हैं सेकंड चैप्टर के हवाले से तो साइंस का सेकंड चैप्टर जो है क्लास सिक्स का तो हमने स्टार्ट किया है सेंस ऑर्गन तो सेकंड चैप्टर हमारा सेंस ऑर्गन आज हम बात कर देंगे तकरीबन 15 जो हैं वो क्वेश्चन हैं MCQs हैं एक बार आप सुन लें इसमें ये मसला नहीं है कि यार हम कैसे सुने क्या होगा कुछ भी नहीं है ऐसे एक बार आप जो है क्लियरली सुन लें ये अगर आपको दिखाई नहीं देते तो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ आराम से जो सेकंड चैप्टर है सेंस ऑर्गन वो अब मैं आपको बता रहा हूँ तो कीप सपोर्ट इल्म-ए-सादिक अकेडमी को सपोर्ट करें दोस्तों के साथ शेयर करें और एक दूसरे से जो हेल्प हो सके वो करें तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है नर्व डेट कैरी साइट इंफॉर्मेशन टुअर्ड द ब्रेन इज कॉल वो कौन सी नर्व है जो इंफॉर्मेशन साइट इंफॉर्मेशन लेके जाती है टुअर्ड द ब्रेन ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन साइट इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक लेके जाती है उसको हम कौन सी नर्व है वो तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है इसमें जो ऑप्टिक नर्व है तो ऑप्टिक नर्व ऐसी नर्व है जो साइट इंफॉर्मेशन जो है जैसे कि हम किसी को देखते हैं ठीक है वो इंफॉर्मेशन जो है वो कौन सी नर्व जो है वो ब्रेन को पहुंचाती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व ठीक है सेकंड क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्रीन ऑफ आई जो आई का स्क्रीन होता है जैसे कि मॉनिटर हो गया तो इसका जो आई का आइज के जो स्क्रीन्स होते हैं वो कौन सा है रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ आई ठीक है सेकंड थर्ड हो गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड पार्ट ऑफ आई जो हमारी आई है आँख है उसका जो कलर्ड पार्ट है जैसे कि पिगमेंट्स हो गए ठीक है इरिस इज पिगमेंट्स आर कलर्ड पार्ट ऑफ आई जो हम आई में देखते हैं बहुत सारे कलर हमें देखने आते हैं हम देखते हैं कि भाई इसमें बहुत सारे कलर्स जो हैं वो शो होते हैं वो इरिस की वजह से वो कलर्ड पार्ट होता है आई का जैसे कि कोकलाए बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ ईयर तो ये जो कोकलाए है ब्लॉन्क जो ईयर का जो हिस्सा है वो किस हिस्से में ये कोकलाए होता है तो आउटर ईयर है इनर ईयर है मिडिल ईयर है तो इसमें जो है इनर ईयर इज अ करेक्ट ऑप्शन हाउ मेनी मेन टेस्ट बर्ड्स ठीक है चार बर्ड्स हैं टेस्ट ओके हाउ मेनी लेयर्स ऑफ स्किन स्किन जो होती है उसके कितने लेयर्स हैं कितने जो हिस्से हैं लेयर्स में तो वो तीन है द रफ सरफेस ऑफ द टंग इज ड्यू टू स्ट्रक्चर कॉल्ड जो टंग का हमारी जो जबान है उस जबान जो है उसका जो रफ स्ट्रक्चर होता है रफली जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं पिपलाए ठीक है द इनसाइड ऑफ आवर नोज इज़ अ कैविटी डेट नोन इज जो हमारे नोज़ की इनसाइड एक कैविटी होती है उसको हम कैसे जानते हैं किस हिसाब से और किस नाम से जानते हैं उसको तो उसको कहते हैं नेसल कैविटी और इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड जो स्किन की इनर मोस्ट लेयर है वो उसको हम क्या कहते हैं हाइपोडर्मिस एक होता है एपिडर्मिस डर्मिस है हाइपोडर्मिस तो ऑप्शन जो होगा वो हाइपोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स मेक सेंस ऑफ हीट एंड कोल्ड तो ये आप बता दें कि रिसेप्टर वो कौन से हैं जो हीट और कोल्ड को सेंस करते हैं तो हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर्स टू मेक द सेंस ऑफ हीट एंड कोल्ड ओके तो 11 क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स इज मेक्स अ सेंस टच जो टच वाला जो है सेंस वो किसको कहते हैं मेसनर्स कॉर्पसल्स अच्छा 12 जो क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन आल्सो फंक्शन एज अ बैलेंस ऑफ योर बॉडी तो ईयर जो है वो सेंस ऑर्गन ऐसा है जो फंक्शन एज अ बैलेंस ऑफ योर बॉडी बॉडी का जो बैलेंस है वो हमें इससे पता चलता है ईयर से ठीक है इसका ये फंक्शन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज मेक अ सेंस ऑफ प्रेशर नीचे में से कौन सा ऐसा रिसेप्टर है जो हमें सेंस ऑफ प्रेशर बताता है जो प्रेशर होता है फोर्स होता है
वो कौन सा है? पेस्टनियन कॉर्पसल्स, ऐसा वो रिसेप्टर है जो प्रेशर के बारे में हमें बताता है। द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट स्टिमुला इज कॉल्ड, वो कौन सी ऐसी एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो वो डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई एक मूवमेंट होती है, हरकत होती है बाहर से या इंटरनली या एक्सटर्नली होती है, तो वो कौन डिटेक्ट करता है? एक सेंस ही होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ईयर हैव थ्री बोन्स इन इट, वो कौन सा पार्ट है ईयर का जिसमें तीन बोन्स जो हैं उसमें पाए जाते हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ईयर हैव थ्री बोन इन इट, तो मिडिल ईयर है उसमें तीन बोन हैं वो पाए जाते हैं। और ये मैं आपको बता दूंगा, छोटे में छोटा जो हमारे बॉडी में बोन है वो भी ईयर में होता है, ठीक। तो ये हमारे हो गए सेकेंड चैप्टर कम्प्लीट। तो कीप सपोर्टेड, ये इल्म-ए-सादिक अकेडमी यूट्यूब चैनल है, तो ये इसमें डेली बेसिस पे हवाले, डेली बेसिस के हवाले से जो PST और JST के इंफॉर्मेशन है वो तो हमें हम भेजते रहेंगे, और इसमें बहुत सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती हैं, और जो भी इशू होते हैं या फिर जो गाइडलाइन होती है हम कोशिश करते हैं आप लोगों को पहुंचा दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।